दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने रेलवे ग्रुप डी, एसएससी बैंक, अदर एग्जाम के लिए कई कोर्सेज अपलोड किए हैं, जिसको देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और मुझे आप सर्च बॉक्स में सर्च करके मुझे फॉलो कर पाएंगे, जहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा रेलवे ग्रुप डी अदर एग्जाम के लिए, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एंड हो चुका है। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन में क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? तो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं 120 दिनों तक जीवित रहती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 120 दिनों तक जीवित रहती हैं। अगला, सातवां अंतर्राष्ट्रीय कॉफी त्योहार कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो सातवां अंतर्राष्ट्रीय कॉफी त्योहार ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? बेंगलुरु। तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन है राजीव ऋषि। तो राइट आंसर हो जाएगा राजीव ऋषि। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बैंक के सीईओ से और चेयरमैन से एक से दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो याद कर लीजिए कौन है? राजीव ऋषि। ये क्वेश्चन पिछली बार भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है और हर बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मुंह से निकली लार किसका पाचन करती है? तो मनुष्य के मुंह से निकली लार ये स्टार्च का पाचन करती है। किसका करती है पाचन? स्टार्च। राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन है अरविंद सक्सेना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अरविंद सक्सेना। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सबसे ज्यादा बांध भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो उत्प्रेरक की खोज की थी ब्राजीलियस ने। किसने की थी? ब्राजीलियस ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजीलियस। देखिए, एक क्वेश्चन आपका दिवस से पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का आकलन ये यूरेनियम डेटिंग की विधि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये पुस्तक सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? सर्वप्रथम कॉपरनिक्स ने बताया, जो कि एक वैज्ञानिक थे, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। राइट आंसर हो जाएगा कॉपरनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गैसों के दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो गैसों के दाब मापने के लिए मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन उपस्थित रहता है? तो सोडियम क्लोराइड में विद्युत संयोजन बंधन उपस्थित रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत संयोजन बंधन। ये आपका क्वेश्चन जनरल साइंस का रहा कि एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी 39 यानी कि 39। राइट आंसर हो जाएगा 39। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के पांच में आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कुल 18 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 18 तत्व। राइट आंसर हो जाएगा 18।